चौथे टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम को दो बड़े झटके लगे हैं। जी आपको बता दें कि ईशांत शर्मा चोट के चलते बाहर हो गए हैं, तो वहीं अश्विन भी चौथे टेस्ट मैच से बाहर होते नजर आ रहे हैं। उनको भी चोट लगी है और अभी तक वो फुल रिकवरी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में रोहित शर्मा पहले ही टीम इंडिया से बाहर हैं, क्योंकि बच्ची हुई है जिसको देखने के लिए वो भारत वापस आ चुके हैं। तो अब भारत के लिए चौतरफा मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जहां मयंक अग्रवाल के साथ फिर से केएल राहुल को हो सकता है ओपनिंग करनी पड़े, क्योंकि हनुमा विहारी मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, तो वहीं हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी निश्चित दिख रही है। अब देखना यह है कि विराट कोहली के लिए टीम कॉम्बिनेशन चुनना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अगर अश्विन ठीक नहीं होते हैं तो ऐसे में रविंद्र जडेजा के साथ तीन पेस गेंदबाज लेके खेलने होंगे, और ऐसे में हार्दिक पांड्या की भूमिका बहुत बड़ी निभानी पड़ेगी, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले टेस्ट मैच में हनुमा विहारी और रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन समझदारी वाली पारी खेली थी, जिसके चलते भारत को कई सारी मुसीबतों से निपटने में आसानी हुई। तो वहीं ईशांत शर्मा की बेहतरीन गेंदबाजी ने भी कई विकेट दिलाए थे, जिसने जसप्रीत बुमराह के लिए रास्ता आसान कर दिया था, क्योंकि दोनों तरफ से तेज धारदार गेंदबाजी हो रही थी। ऐसे में इन झटकों से कैसे उभर पाएगी टीम इंडिया, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्या होना चाहिए टीम इंडिया का प्लेइंग 11।